हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हम लोग आ जाए बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन के साथ, जो है रियलमी C21Y, जो अंडर 10,000 में सबसे बढ़िया फ़ोन है, सबसे बेस्ट फ़ोन है। अब आज हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे और इसके कुछ फीचर्स देखेंगे कि हम लोग को कौन से न्यू एक्साइटिंग फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। हम लोग को इसकी येलो पैकिंग बहुत ही अच्छी लगी। हम लोग को अभी रियलमी बहुत सारे फ़ोन्स में इसके येलो कलर की पैकिंग दे रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग को रियलमी C21Y, जो एक रियलमी C21 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल्स, बाद में इसके यूज़र गाइड्स, बाद में हम लोग को फ़ोन भी देखने को मिल रहा है। मैंने स्पेशली ब्लू कलर का फ़ोन को ऑर्डर किया है। ब्लू कलर बहुत ही अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। अभी देखते हैं हम लोग, पहले स्टार्टिंग में इससे हम लोग इसका बैक देखते हैं। इसका बैक पैनल हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो इसके जो डायमंड कट्स है और इसका जो ट्रिपल रेयर कैमरा है, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम चमक रहा है फुल। और अभी हम लोग फ़ोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं हम लोग को बॉक्स में और कौन से आइटम्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये चार्जर, जो 10 वैट का चार्जर है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ओके, हम लोग इसकी रेटिंग भी देख लेते हैं। 10 वैट का चार्जर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मैं एक मिनट इसको जूम करता हूँ। देखियो ये 10 वैट का फास्ट चार्जर है। ये हम लोग को इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो अराउंड ये 1.2 hours में ये पूरे फ़ोन को चार्ज करता है। ओके, और इसमें हम लोग को टाइप सी का सपोर्ट नहीं मिलता। अभी भी 10,000 के नीचे टाइप सी को आने में टाइम है, तो हम लोग को इसमें माइक्रो USB स्लॉट मिलता है। और हम लोग अगर बात करें, अभी हम लोग ये सब सारी चीज़ें को साइड में करते हैं और फ़ोन को देखते हैं, तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग को फ़ोन को बूट करना पड़ेगा। हाँ बस, तो देखिए रियलमी का सबसे पहले लोगो आ गया और रियलमी C21Y बहुत ही अच्छा फ़ोन है। अभी देखते हैं हम लोग इसका पबजी टेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसका पबजी टेस्ट, कैमरा टेस्ट, बाद में हम लोग एंटीट्यूड स्कोर भी दिखाएंगे और हम लोग दिखाएंगे कि ये पबजी में कितना FPS दिखाता है। तो अभी ये फ़ोन मेरा पूरी तरह से बूट हो चुका है। मैं इसमें बेसिक सेटिंग कर दिए और मेरे वाईफाई नेटवर्क से भी कनेक्ट कर दिया। अभी हम लोग सबसे पहले इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं। देखिए फिंगरप्रिंट एकदम फास्ट और बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसके साइड व्यूज देखिए, एकदम कॉर्नर कॉर्नर से एकदम कड़क लग रहा है। और इसमें हम लोग को 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल रहा है एंड देन स्पीकर ग्रिल। ओके, एंड देन हम लोग को इसमें साइड में इसका मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है और ऑफकोर्स हम लोग को इसमें 2+1 का कार्ड स्लॉट मिलता है, जो उसके दो स्लॉट्स होंगे, उसमें हम लोग अपना जो सिम कार्ड है उसको सेट कर सकते हैं और एक में हम लोग मेमोरी कार्ड को सेट कर सकते हैं। इसके जो मेमोरी कार्ड की एक्सपांडेबल कैपेसिटी है वो अराउंड 256 GB है, मतलब हम लोग आराम से 256 GB तक इसको एक्सपांड कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसका एंड्रॉयड वर्जन। देखिए इसका नोटिफिकेशन पैनल एकदम पूरा एकदम न्यू लुक है और इसमें हम लोग को लेटेस्ट रियलमी का UI देखने को मिलता है और इसमें हम लोग को Android 11 का सपोर्ट मिलता है। और मैंने जो वेरिएंट को ऑर्डर किया वो 4+64 GB का वेरिएंट है, वो अराउंड 999 का है, मतलब 10,000 rupees का है। और ये बहुत ही अच्छा, हम लोग इसका पबजी टेस्ट भी करने वाले हैं, जो मतलब कोई भी बंदा रहेगा वो फ़ोन बाय करता है मेन उसके पबजी के लिए, मतलब गेमिंग के लिए। और यही मेन रहता है कि अगर वो गेमिंग में अच्छा परफॉर्म कर गया उसका फ़ोन, तो वो जो नॉर्मल टास्क रहेंगे उसमें तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी हम लोग इसका क्या करते हैं, स्पीकर टेस्ट करते हैं, डिस्प्ले टेस्ट करते हैं। तो मैं मेरे चैनल को सर्च करता हूँ और आप ऑडियो सुनिए इसका जो स्पीकर का आउटपुट है वो कैसा है, और आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको इसका ऑडियो पसंद आया कि नहीं। इसका डाउन साइड है कि इसका स्पीकर है वो एट द बैक साइड है, ना कि वो नीचे है ना ऊपर है, तो हम लोग को ऑडियो, उसका ऑडियो आउटपुट है वो पीछे से सुनाई देता है। अगर मैं बात करूँ रियलमी C21 के अदर फीचर्स की, तो इसमें हम लोग को ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है और 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसका जो रियर कैमरा का सेटअप है वो 13+2+2 MP है एंड इसमें हम लोग को 5 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले साइज़ की, तो इसमें हम लोग को 6.5 inch का HD+ वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, मतलब 10,000 के नीचे हम लोग को HD+ वाला ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ना कि फुल HD+। अगर आपको फुल HD+ वाला डिस्प्ले चाहिए, Redmi 10 Prime करके
एक फ़ोन आया है रेडमी शाओमी की तरफ से, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें इसके अदर फीचर्स की, तो देखिए जो रियलमी C21 Y है और रियलमी C21 है, उनमें मेन फ़र्क है उसका प्रोसेसर का। तो रियलमी C21 Y में हम लोग को यूनिसॉन T610 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो BGMI है उसमें हम लोग को अराउंड 40 FPS की रेटिंग देते हैं, मतलब 40 FPS हम लोग का आराम से चलेगा। ओके, तो ये 40 FPS को पकड़ के रखता है। और मैं अगर बात करूँ इसकी बैटरी की, तो इसमें हम लोग को 5000 mAh की फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी मिलती है विद 10 W का फास्ट चार्जर इनबॉक्स। एंड इसमें हम लोग को 3.5 mm का ऑडियो जैक, एंड देन इसका जो हाइट रहेगा वो 9.1 mm है, और इसका जो वेट है वो अराउंड 200 grams है। ओके, तो ये सारी बात हो गई इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका रियल लाइफ में कैसा परफॉर्मेंस है। हम लोग अभी इसके ऊपर BGMI को रन करते हैं, तो BGMI हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सेटिंग्स में कौन सा ऑप्शन मिलता है, क्या हम लोग को स्मूथ मिलता है, एक्सट्रीम मिलता है, HDR मिलता है या बैलेंस मिलता है, और इसमें हम लोग को फ्रेम रेट्स कैसे मिलते हैं, हाई अल्ट्रा देखते हैं अभी की एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो अभी हम लोग सिंपली BGMI को इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे। मैंने पहले से ही BGMI को इंस्टॉल करके रखा है, तो अभी मैं उसको रन करता हूँ। ये थोड़े बेसिक सेटिंग्स है वो मेरे को करने पड़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग को BGMI स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें हम लोग को स्मूथ का ऑप्शन मिलता है विद अल्ट्रा फ्रेम रेट्स। ओके, एंड बैलेंस में भी हम लोग को अल्ट्रा फ्रेम रेट्स का ऑप्शन मिलता है, और ये HD तक जाता है, तो HD में हम लोग को उसके हाई फ्रेम रेट्स का ऑप्शन मिलते हैं। तो ये इतना ही है, HDR में नहीं जाता, ना कि अल्ट्रा HD को ये सपोर्ट करता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है अगर मैं बात करूँ 10,000 के नीचे। अगर आप थोड़ा सा बजट को पुश करेंगे तो आप Realme 10 Prime को भी ले सकते हो। अगर आपको आपका बजट हाई होगा तो 2,000 आप एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अच्छा फ़ोन मिलेगा। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो ये फ़ोन 10,000 के नीचे बहुत ही अच्छा है। आपको मल्टीमीडिया का पूरा एकदम अच्छा यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। और फाइनली ये हो गया हम लोग का BGMI का। मैं BGMI के ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अभी आप देखिए कि इसका ऐप स्विचिंग भी बहुत ही अच्छा है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका कैमरा का ऐप ओपन करता हूँ, तो देखते हैं कि हम लोग को इसमें कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम लोग को इसमें नॉर्मली फोटो, पोर्ट्रेट, प्रीव्यू, प्रो मोड करके सब ऑप्शंस मिलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि वीडियो में भी हम लोग को इसका HD फुल HD प्लस मतलब 1080 का भी सपोर्ट मिलता है विद 30 FPS। तो ये 30 FPS को जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, कि आपको ये फ़ोन 10,000 के नीचे अच्छा लगा कि नहीं। मेरे को तो पर्सनली ये फ़ोन 10,000 के नीचे बहुत ही अच्छा लगा, और ये दो कलर वेरियंट के साथ आता है, ब्लैक एंड ब्लू। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।